तो चलो लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर। एटम का सेकंड लेक्चर है आज। मैंने आपसे कहा था कि जो फर्स्ट लेक्चर था जिसमें मैंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा पढ़ाया था उसे पढ़कर आना। हम उसके अलावा भी आज दो तीन चीजें करके क्वेश्चंस ही करेंगे, ठीक है? टोटल 14 क्वेश्चंस हैं आपके लिए। ओके, तो आप लोग ध्यान से अच्छे से करोगे। सबसे पहले एक रिविजन रख लेते हैं। रिविजन में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, आप मुझे उनके आंसर बताना, ठीक है? सो द क्वेश्चन इज प्रेटी सिंपल। आप मुझे बताओ रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम किन किन बातों पे डिपेंड करती है? एन स्क्वायर डिपेंडेंसी बाई बताइए। जीरो, एन स्क्वायर बाई जीरो। ओके, यस अनु। ओहो, तुम लोगों के गिफ्ट का प्लान अभी तक भी ओपन है, ठीक है ना? एन स्क्वायर बाय जी। चलिए, यस मैम, ओके। अब बताइए वेलोसिटी। जी बाय एन, वेरी जी बाय एन। गुड। व्हाट अबाउट द एनर्जी? जी स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ओके, ये तो मैंने आपको बताया था। अब मैंने आपसे कहा था कि आप मुझे टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और ओमेगा, इनकी डिपेंडेंसी बताओगे। तो हाँ अनु, बताए टाइम बताओ। मैम, फ्रीक्वेंसी तो जी स्क्वायर बाय एन क्यूब होता है, एंड टाइम पीरियड एन क्यूब बाय जी स्क्वायर, ओके, एंड एंड ओमेगा ओमेगा। तो ओमेगा और फ्रीक्वेंसी सेम होता है, जी स्क्वायर बाय एन क्यूब। यस, वेरी गुड। सबका ये आया? हाँ, मैम मैम, ये जी पे स्क्वायर नहीं आया मेरा, बाकी तो सेम है। अब मैं बताती हूँ। मुझे वाली चीज अच्छी है, मुझे वाली डिस्कस करना ही था। देखो, आप लोगों को लग रहा होगा इज इक्वल्स टू एच न्यू वहां से उठा लो, बट ये आप ध्यान रखो, हमने जो तरीका यूज किया था मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के लिए वो यूज किया था कि सेंट्रीपिटल फोर्सेस इक्वल्स टू व्हाट, योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यस राइट? मैम, तो उस हिसाब से टाइम पीरियड आप निकाल सकते हो 2 पाई आर बाय वी करके, याद है? स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम आ जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। अब आप देखो, आर डिपेंड कर रहा है एन स्क्वायर बाय जी पर, v डिपेंड कर रहा है z बाय n पर, तो आ गया इसकी डिपेंडेंसी n क्यूब बाय z स्क्वायर। यस एक मैम, बार आपके पास n क्यूब बाय z स्क्वायर आ गया, फ्रीक्वेंसी उसका इनवर्स हो गया, यानी कि रेसिप्रोकल हो गया, और ओमेगा सेम आ गया। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है? डन। ओके, मैम हाइड्रोजन एक बार स्पेक्ट्रम में, बता दो, टाइम पीरियड वाला। देखो मैंने कहा कि आप एक बार बताओ स्पीड को कैसे लिखते हो, डिस्टेंस बाय टाइम ना। अगर मुझे टाइम चाहिए तो डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा। भाई एक सर्कुलर ट्रैक पे आप कितना टोटल डिस्टेंस कवर करते हो उसकी सर्कमफेरेंस के बराबर, यानी कि 2 पाई आर, और जिस स्पीड से कर रहे हो उसको डिवाइड कर दो। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे आर और वी का डिपेंडेंसी फैक्टर देखा। मैंने ये देखा कि जो आर है वो इस बात पे डिपेंड कर रहा है, वी इस बात पे डिपेंड कर रहा है। तो मैंने आर बाय वी का सिर्फ डिपेंडेंसी फैक्टर देखकर यहाँ पर ये वाली एक्सप्रेशन लिख दी। इज दैट ओके? यस मैम, Cool. अब आ जाइए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा पे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा मैंने आपको कल बताया था कि एन इज इक्वल्स टू वन, एन इज इक्वल्स टू टू, इन सबसे मतलब डील करते हैं, राइट? ग्राउंड से दूर तक जाने में क्या होगा, जब भी कभी आपका इलेक्ट्रॉन वापस वन पर आ रहा हो, है ना, तब लाइमन सीरीज मिलती है। 2 पर आ रहा हो तो बार्मर सीरीज मिलती है, 3 पर आ रहा हो तो पार्शियन सीरीज मिलती है, फिर 4 पे जा रहा हो तो आपको ऐसे आगे हुन सीरीज, पार्शन ब्रैकेट हुंड, है ना, इस तरीके से मिलते रहता है, ठीक है? दैट इज मैम फोर्थ ओके, मतलब वो ब्रैकेट हम चेंज निकाल। हो रही है ना। हाँ, ब्रैकेट फिर मिलता है, फिर आप हम फिर सीरीज होती है, ऐसी बहुत सारी सी। हाँ बेटा, बोल रहा है कोई? चलिए, मैं क्या भी लिख दी मैम, जो आपने बताई थी एनर्जी। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड गुंजन, बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल सही लिख रखा है ओके गुंजन ने कि जब भी आप फर्स्ट एनर्जी लेवल की बात करोगे तो दैट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड की बात करोगे तो माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड की बात करोगे तो माइनस का 1.85, एंड फोर्थ यस की बात करोगे तो कुछ 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बैठता है।
तो इस तरीके से आप एनर्जी ला सकते हो. फॉर्मूला क्या होता है, ई एन इज इक्वल टू माइनस 13.6 एन स्क्वायर बाय, सॉरी क्या होता है, जी बाय एन स्क्वायर, ठीक है. ये होता है, कोई दिक्कत किसी को? राइट, दिस इज द फॉर्मूला टू गेट दीज एनर्जी लेवल्स. ध्यान रखना लाइमन सीरीज के लिए वापस कहां पर आना है आपको? वन पर. बामर सीरीज के लिए इन वन. अब ये चीजें ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है. टू. अब बात करते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा की. सिर्फ यही लास्ट कॉन्सेप्ट है जो मुझे आपको बताना था इस चैप्टर में. एटॉमिक स्पेक्ट्रा बेटर दो टाइप के होते हैं. एक होता है एमिशन, ठीक है, एमिशन स्पेक्ट्रा, और एक आएगा आपके पास बिल्कुल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा. अच्छा स्क्रीन मतलब ये बैकग्राउंड सही लग रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी चीज में? नो मैम. ठीक है. एमिशन स्पेक्ट्रा एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, इट्स लाइक योर ग्रीन बोर्ड स्कूल वाला. आई लाइक इट. राइट. हाँ ठीक है. अब देखते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा को. बड़े ध्यान से बात सुनना, एक ही स्लाइड में दोनों स्पेक्ट्रा समझ में आ जाएंगे. सोचो मेरे पास यहाँ पे एक कंटेनर है जिसमें कोई गैस के मॉलिक्यूल्स वगैरह फिल्ड है, ठीक है. इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स फिल्ड है, कोई गैस फिल्ड है. मैंने क्या करा, मैंने इस सिस्टम को हीट प्रोवाइड कराई, ठीक है. मैंने हीट प्रोवाइड कराई तो बेटा इलेक्ट्रॉन क्या है, उनको एनर्जी मिली. अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी तो वो एक्साइट होकर अपर एनर्जी लेवल में पहुंच जाएगा, राइट. लेकिन आपको पता है इस दुनिया में हर एक चीज पॉसिबल लोएस्ट एनर्जी स्टेट में आना चाहती है टू गेट दी स्टेबिलिटी. तो वो जो इलेक्ट्रॉन का एक्साइटमेंट है वो भी शॉर्ट लिव्ड होगा, वो वापस से डी एक्साइट होकर ग्राउंड लेवल पर आने की कोशिश करेगा. तो इस दौरान जब वो वापस आने की मतलब यू नो चीजें करेगा तो वो रेडिएशन एमिट करने लगेगा. तो इसने एक रेडिएशन एमिट करी. मैंने क्या करा, उस रेडिएशन को लैसे एक प्रिज्म से पास करा दिया, ठीक है. अब जब मैंने इस रेडिएशन को प्रिज्म से पास कराया तो क्या हुआ, ये ना स्प्लिट हो गई, एक स्पेक्ट्रम मुझे दे दिया इसने. मैंने इस स्पेक्ट्रम को एक एक स्क्रीन पे ऑप्टेन करने की कोशिश की और मैंने देखा कि जो स्पेक्ट्रम आया ना इसमें कुछ लाइंस आई. अब देखो अगर आप व्हाइट लाइट फॉल कराते हो, व्हाइट लाइट आके आपकी मतलब उसका स्पेक्ट्रम आपको ऑप्टेन होता है तो व्योर आता है, राइट. मैंने क्या देखा कि यहां पर ना कुछ लाइंस मिसिंग थी और कुछ लाइंस विजिबल थी. ऐसा कुछ था कि कुछ लाइंस तो मिसिंग थी, कुछ लाइंस विजिबल थी. जैसे कि मुझे यहाँ पे सिर्फ इंडिगो, ग्रीन, येलो और रेड स्पेक्ट्रम मिला. तो आपको एक चीज ये समझ में आई कि ये एमिशन स्पेक्ट्रम क्यों है, क्योंकि हमने जब हीट दी मॉलिक्यूल्स को, उन्होंने लाइट रेडिएट करी, लाइट एमिट करी, उस एमिशन को हमने स्पेक्ट्रम में कन्वर्ट कर मतलब स्क्रीन पे उतारा, ठीक है. तो दिस इज एमिशन स्पेक्ट्रम. अब आपके पास यहाँ पे जो एक डिब्बा था, मैंने यही डिब्बा सेम उठाकर यहां रख दिया, यानी कि सेम गैस मॉलिक्यूल्स मैंने यूज करे, ठीक है. इनमें सेम वही सेम बिल्कुल एक जैसे ही गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है. अब मैंने क्या देखा कि अगर ये गैस मॉलिक्यूल से मैंने व्हाइट लाइट पास कराई, इन गैस मॉलिक्यूल्स से मैंने व्हाइट लाइट पास कराई. अब बेटा व्हाइट लाइट में तो विप्योर करके सारे होंगे ना वेवलेंथ, सारे रेडिएशन होंगी. तो मैंने देखा कि व्हाइट लाइट पास कराने के बाद इसने फिर से कुछ कुछ तरीके की ना लाइट रेडिएट करी, मतलब वापस दी मुझे लाइट. कुछ मुझे यहाँ से जो बची हुई लाइट मिली उसे मैंने प्रिज्म से निकाला, प्रिज्म से निकाल के फिर से मुझे एक स्पेक्ट्रम मिला, फिर से मैंने उसे स्क्रीन पे ऑप्टेन किया. एंड यू वोंट बिलीव, रिजल्ट बड़ा वियर्ड था. वियर्ड इन दिस सेंस कि वो सारे कलर्स जो मुझे उसके एमिशन स्पेक्ट्रम में मिसिंग मिले थे ना, जैसे कि वॉयलेट नहीं था, है ना,
जैसे कि ब्लू नहीं था विप क्योर, ऑरेंज नहीं था, वो सारे कलर्स मुझे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में मिले. एंड दिस इज समथिंग विच इज अ फैक्ट. अगर सेम नंबर ऑफ मतलब सेम नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, आप उनका एमिशन स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व करो, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व करो, यू विल फील और यू विल गेट द सेम रिजल्ट. Whatever the lines are missing in emission spectra, they will reflect in the absorption and vice versa. Is it okay? Yes, ma'am. Pakka? Okay. अब बात करते हैं, what is the reason behind this? See, यहाँ पर nucleus है आपका, ठीक है? मैंने कहा एक काम करो, just think about, let's say this particular electron, ठीक है? इस electron को आपने, देखो, एक सेकेंड रुको, आपको पता है ना कि यहाँ पर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास क्या है, मतलब यू नो एनर्जी है. यहाँ पे -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, फिर आपके पास -1.85 इलेक्ट्रॉन, अरे 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 ये हो जाएगा है ना, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इस तरीके से एनर्जीज आती रहती है. अब आप एक बार बताओ, मैंने इसे बहुत सारी रेडिएशंस दी, उन रेडिएशंस में से मैंने इसको एक रेडिएशन दी बेटा, हाँ हाँ कौन सी रेडिएशन दी, माइनस मैंने इस पे एक रेडिएशन दी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की. इसने क्या करा, उस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया, यानी कि इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी और ये कूद के यहां से यहां आ गया. अब एक बात बताओ, जब इन सारे एनर्जी लेवल्स की एक एनर्जी फिक्स्ड है, तो हमको उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी ना, अगर किसी लेवल पे बिठाना है इसको. अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई दिस इज n इज इक्वल्स टू 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, अगर मैं चाहती हूं कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से उठ के थर्ड पे पहुंच जाए, तो मुझे वो एनर्जी गैप तो फिल कराना पड़ेगा ना. ये सुनो, यस मैम, अगर वो एनर्जी गैप 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो क्या वो 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे बैठ जाएगा जाके सेकंड में, बताओ. समझ नहीं आया. देखो मैं ये कह रही हूँ, हर एक लेवल पे एक गार्ड बैठा है जो ये कह रहा है कि तुम इस चक्कर में, इस गोले में तभी घूमोगे जब तुम्हारे पास इतनी इतनी एनर्जी होगी. फॉर एन एग्जाम्पल, जो फर्स्ट वाली लेवल पे बैठा है, उसने कहा कि अगर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुम्हारे पास है तो ही तुम इसमें बैठ पाओगे, अदरवाइज नहीं. सेकेंड वाले ने बोला कि अगर -3.4 है तभी बैठ पाओगे, थर्ड वाले ने -1.85 है तभी बैठ पाओगे. अब एक बच्चा है जो -13.6 वाले लेवल पर है, उसको सेकंड पे जाना है, तो उसको इतनी एनर्जी चाहिए रहेगी ना, क्योंकि सेकंड वाला तो -3.4 के अलावा किसी एनर्जी पे नहीं बिठाएगा. ये सुनो, yes, तो ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्सेप्ट कर ही सेकंड में बैठ पाएगा. अगर आपने इसको 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दी तो भी कोई काम की नहीं, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दी तो भी कोई काम की नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक वेवलेंथ 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर ही ये काम होने वाला है कि वो 1 से कूद के 2 पे पहुंच जाए. नाउ आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम. यस मैम. ओके, अब आप ध्यान से समझो. ऐसा मान लो कुछ देर के लिए कि जो इंडिगो है ना, इंडिगो, मान लो कि उसकी एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपके पास फोटोन है, दैट इज इंडिगो वाला फोटोन, ठीक है? जब आपने इसको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि इंडिगो वाला फोटोन फेंके, मारा, इसने एब्जॉर्ब कर लिया, आपने बाकी और कलर के भेजे, इसने एब्जॉर्ब नहीं करा, क्योंकि इसके काम के ही नहीं थे. इसके काम का तो वो था जो एक गैप फिल पूरा करवा दे, तो इसने इंडिगो वाला एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है? इंडिगो वाला एब्जॉर्ब करके ये यहाँ पहुंच गया. अब लेकिन यहाँ पे इसको मजा नहीं आ रहा है ना, इसको अब मन हुआ कि भाई वापस अपने घर पर चलो. तो इसको वापस से यहाँ आने के लिए भी बेटा क्या करना पड़ेगा, 10.2 वापस से, वापस से इधर आने के लिए उसको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला फोटोन रिलीज करना पड़ेगा, इसीलिए उसने इंडिगो को एमिट किया. समझ रहे हो, इसने एब्जॉर्ब भी इंडिगो को किया. जब इंडिगो को एब्जॉर्ब कर गया तो वो क्यों दिखेगा उसके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में, वो तो एब्जॉर्ब हो गया ना.
जब उसको एमिट करने की बारी आई तो सिर्फ इंडिगो एमिट करेगा, जब वॉयलेट उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया तो निकालेगा कहां से। तो आपको समझ में आया क्यों ये इस तरीके का आपको दिख रहा था, कैसे दिखा था, क्या पॉइंट था, क्या लॉजिक था उसके पीछे? बस इससे ज्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं, आई होप उसने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए होंगे। नाउ लेट्स कम टू द वेवलेंथ ऑफ एमिटेड फोटोन। अगर मुझे ये लैम्डा कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूं? तो आपके पास एनर्जी है भाई, आप एक बात बताओ, जो सेकंड लेवल और फर्स्ट लेवल के बीच एनर्जी गैप है वही तो एनर्जी थी फोटोन की 10.2, राइट? यानी कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको एच न्यू मिलेगा, यानी कि एच सी बाय लैम्डा मिलेगा, तो वेवलेंथ मिल जाएगी, फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, तो आपको फोटोन पता चल जाएगा। अब अगर मुझे ये चाहिए तो इसके लिए सिंपल चीज ये है कि मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया -13.6 z by n square, ये एनर्जी का बताया था ना मैंने आपको हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए, राइट? यस मैम। तो इसका यूज करके निकाल लेते हैं, बट अब हम डेरिवेशन में क्यों ही कूदें, हमको डेरिवेशन का ज्यादा जरूरत है नहीं। एक काम करते हैं, हम सिंपल यहाँ पे 1 by lambda r z square 1 by n1 का स्क्वायर माइनस 1 by n2 का स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला है वी विल गो थ्रू दिस फॉर्मूला, ठीक है? हम इस फॉर्मूले को समझ लेते हैं। इसमें ये जो वेवलेंथ है ना, दिस इज द वेवलेंथ ऑफ एमिटेड फोटोन, दिस आर इज रिडबर्ग कांस्टेंट, ओके बेटा, दिस जी इज एटॉमिक नंबर, और ये एन वन एन टू, ये बड़े खास है, खास इसलिए कि ये जो एन वन है ना, ये वो वाला लेवल है जिसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा है, N2 वो वाला इलेक्ट्रॉन लेवल है जिसमें जा रहा है, ठीक है, मतलब जिसमें से आ रहा है बेसिकली। तो आप N1 याद रख लो, N2 आपको इवेंचुअली खुद ही याद हो जाएगा, एक मिनट रखो, समझ में आया कि नहीं? बस हम लोग शांत से हो। यस मैम। पक्का ना? हाँ, थोड़ा शांत शांत से लग रहे हो। ये भी मैम रे ऑप्टिक्स वाले जैसा ही फॉर्मूला है, बस थोड़ा मोटा है। हाँ, आजा वाला। बस आप ये ध्यान रखना कि n1 वो है जिसमें आ रहा है। हाँ, अभी बात करेंगे ना उसपे, जिसमें आ रहा है, और n2 वो है जिससे, तो उसमें में और से है। हाँ, तो आप जो आपका, अरे यार क्या हो गया, वो नहीं चाहिए। हाँ, जिस से आर, बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अब वैसे तो अगर आप आर का वैल्यू याद करने जाओगे तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा, कि आर इज इक्वल्स टू 1.08 × 10⁻⁷ मीटर समथिंग करके, राइट? हमको ये याद ही नहीं करना, नो, हम ये बिल्कुल भी याद नहीं करेंगे। हम याद करेंगे 1/r का वैल्यू। 1/r का वैल्यू लगभग 911 एंगस्ट्रोम है, ठीक है? इसे अपनी सहूलियत के हिसाब से 910, 912 कुछ भी कर लो। जब आप ये यूज करोगे ना, तो बस इतना ध्यान रखना कि जो वेवलेंथ आएगी वो एंगस्ट्रोम में आएगी, है ना? क्योंकि जब आपने वैल्यू एंगस्ट्रोम वाली पुट करी है, एंगस्ट्रोम को मीटर अपन इजीली कर लेंगे। ये 10⁻⁸ वगैरह याद करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, 911 बड़ा इजीली याद हो जाएगा, बड़ा इजीली चीजें हो जाएंगी, कैलकुलेशन इजी बढ़ जाएगी, ठीक है? कर लोगे? Okay, so what I'm saying, there is no need to remember R, just go with the 1/r, which is 911 angstrom. As per your ease, you can put the value 910 angstrom or 912 angstrom. ठीक है, वो approximation उतना चलता है. So let's start with the question number one. यहाँ पे आपको emitted wavelength निकालनी है photon की. सिंपल सी बात है भाई, एक क्वेश्चन आपका होमवर्क है, राइट? और एक क्वेश्चन आप मुझे बताओगे, तो शुरू हो जाओ अभी, टाइम आपके पास। हाइड्रोजन के लिए लेंगे। हाँ हाँ, अच्छा मैंने लिखा नहीं, लिख देती हूँ, बिल्कुल, ये हाइड्रोजन लाइक एटम है, ठीक है? इसको हाइड्रोजन लाइक एटम बोल दो या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज बोल दो, जो आप कॉमन वैसे बोल दो। मैम स्क्रीन नहीं आ रही।
फिलहाल क्वेश्चन तुम देख लो, ठीक है, सॉल्व करो, मैं इसको फिक्स कर देती हूँ, कुछ है तो. अब विजिबल है? ठीक है, चलिए 57 हो गया. आप लोगों का आंसर आ गया क्या? मैम हम साइड चली गई थी ना. अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है. यस मैम. ओके बेटा, थोड़ा ना स्पीड में आप क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि हमको 14 क्वेश्चंस करने हैं और वो करके जाने ही हैं, तो आप देख लो आपको क्या पेस रखनी है. बेटा मैंने ड्यूअल नेचर आपको करा दिया था, अभी रिसेंटली ही कराया था, उसके पीवाईक्यूज भी कराए थे, तो आप ड्यूअल नेचर अपने एंड से परफेक्ट करके रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में वो आएगा 31 को. ठीक है, तो मेक श्योर कि आप वो चीज करके रखें. इज दैट ओके? बहुत बढ़िया जवाब, ऐसे ही मैं तुम्हारी शांति समझती रहूंगी. ठीक है. यस मैम. जो किसी ने नहीं सुना. वेरी गुड जिबा, बहुत बढ़िया. बस एक क्वेश्चन मार्क मत लगा, कॉन्फिडेंटली बोलो. हो गया मैम. मैम हो कूल अलीशा, नाइस. ओके मुस्कान, हो गया. कूल कूल कूल. चलो अब मैं एक बार आपको बता देती हूँ, वैसे आप लोगों ने सही आंसर बताया, इनकेस अगर कोई बच्चा शर्मा रहा है, ठीक है, तो एक बार उसके लिए बता देते हैं. यहाँ पे देखो क्वेश्चन, मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू आर जी स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर. जितनी बार अपन ये फॉर्मूला लिखेंगे, उतनी बार हम इस बात को बोलेंगे कि n1 जिसमें आ रहा है, n1 जिसमें, बोलो भाई, खाली नारा मैं लगाऊं, हम जिसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा है. या तो हमको चाहिए भाई यहाँ पे लैम्डा चाहिए, ठीक है, तो 1 बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू, मैंने कहा आर की वैल्यू याद करोगे नहीं तो आर को भी ऐसे रख देते हैं, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज है तो 1 मान लेते हैं अभी. अच्छा मैंने हाइड्रोजन लाइक बोला था, चलो फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए ना हाइड्रोजन ही मान लो, लाइक में तो वरना फिर हमें जी निकालना पड़ जाएगा ना, वो भी हम करेंगे एक क्वेश्चन में, बट हाइड्रोजन एटम मान लेते हैं, तो 1 मान लेते हैं जी को. आई गेस आपने भी आंसर दिया तो वैसे ही मान के कर लिया होगा. अब क्वेश्चन कह रहा है 2 से 1 में आ रहा है, तो में किस में आ रहा है, 1 में आ रहा है, तो n1 हो जाएगा 1 स्क्वायर, इधर बच जाएगा जो भी आपको दूसरा दिया होता है. ठीक है, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा r और 1 माइनस 1 बाय 4 विच मीन्स 3 बाय 4, राइट, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू r टाइम्स ये, मुझे यहां से लैम्डा का वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा 4 बाय 3 इंटू 1 बाय r. अब आप इसकी जगह पुट कर दीजिए जो भी आपको सही लगा, आई गेस 912 वुड वर्क ना. ये ऐसे आएगा 912. या भाई मैं कहूँ इतना कॉम्प्लिकेट तो नहीं होना चाहिए था. 304, राइट, एंड इट वुड बिकम 612. लेकिन याद रखना कि जब भी आप 1 बाय आर को 911 पुट कर रहे हो तो एंगस्ट्रोम में पुट कर रहे हो, यानी कि जो लैम्डा निकल के आएगा वो भी एंगस्ट्रोम में आएगा. अगर क्वेश्चन मीटर्स में मांग रहा है तो 1216 × 10⁻¹⁰ मीटर, या फिर आप इसको 1.216 × 10⁻¹⁷ मीटर आंसर करना. ठीक है, सो मेक श्योर करो, बस इस ट्रिक में ये वाली चीज याद रखो. इज दैट ओके मैम? चलिए ये आपके लिए होमवर्क है मैम. एक बार बता दो किसमें आ रहा है वो जो आपने बताया था ना, n1 और n2 की वैल्यू कैसे रखें. अच्छा देखो ये याद रखना, देखो ये क्वेश्चन है, n = 3 से n = 1 में आ रहा है, 2 का मतलब क्या है, c का फील दे रहा है,
है ना, तो मतलब कि थ्री से वन में आ रहा है, तो जिसमें आ रहा है वो आपका एन वन हो जाएगा, बस में वाला एन वन हो जाएगा. ठीक है बेटा? ठीक है मैम. राइट मिस, ओके. चलिए क्वेश्चन टू कीजिए. क्वेश्चन टू आपका PYQ 2017 का. आई विल लॉन्च द पोल. आपको याद है कि आप ऐसे हवे में आंसर नहीं मारोगे. ठीक है, या मैंने आपके आने से पहले ही पोल्स बना दिए थे देखा, तो पोल आपके सामने है, जस्ट मार्क करो, पोल पे मार्क करो. एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ. द रेशियो ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लास्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज एंड द लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज. बामर और लाइमन का आपको पता होना चाहिए कि लास्ट मतलब किस लेवल में आती है. मैं देखो वोट्स तो अच्छी नहीं दे रहे आप लोग, 6 वोट्स दे रहे हो. सही गलत की कोई बात ही नहीं कर रही मैं भाई. वोट्स तो एटलीस्ट 25 आनी चाहिए अगर 30 बच्चे हैं. मैम इसमें लोग को एन वन और एन टू तो पता होगा, एन वन दोनों का पता होगा, पर एन टू कैसे पता लगा है? यही तो बात है. मैंने इसमें एक वर्ड दिया है लॉन्गेस्ट दिया है क्या? नहीं दिया, लास्ट लाइन बोला है. लास्ट दिया, लास्ट से आप सोचो ना, लास्ट क्या हो सकता है? Okay, कोई अथा है लास्ट की? मैम 2 मिनट और दो बस. ओके ओके, अभी तक भी 10 वोट चाहिए भाई, तकरीबन 15 वोट और चाहिए. फॉर्मूला वही है जो भी मैंने आपको एमिटेड वेवलेंथ का बताया ना, उसके अलावा कोई और तीसरा इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है. चलिए अब मैं बताती हूँ आप लोगों को, एक बार मैं दिखा देती हूँ कि आंसर्स क्या करें आप लोगों ने मार्क. ठीक है, आई एम एंडिंग द पोल एंड आई एम शोइंग यू द रिजल्ट. That's cool. ठीक है, I guess आपको स्पेक्ट्रम दिख रहा होगा अपने आंसर्स का. देखो, या क्वेश्चन है कि लास्ट लाइन ऑफ टू सीरीज, एक बामर और एक लाइन. तो आपको एक बात समझनी है कि भाई लास्ट का मतलब कि सबसे दूर कितने से आ सकता है? इंफिनिटी से आ सकता है, खत्म बात. बामर सीरीज है तो एन वन को 2 होना पड़ेगा, लाइमन सीरीज है तो एन वन को 1 होना पड़ेगा, है ना? इतना पोर्शन हमें पता था. क्वेश्चंस इस तरीके से भी पूछे गए हैं कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कौन सी है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कौन सी है, तो उसके हिसाब से भी अभी हम देखेंगे कि हमको क्या मतलब याद रखना है, किस किस तरीके से इस चीज को याद रखना है. बात एक ही है बट यू नो पूछने के तरीके अलग हुए हैं. अब अगर आपको इतना डेटा समझ में आता तो आप समझो कि आपको वेवलेंथ निकालने बामर लाइमन में इन वैल्यूज के साथ. तो सबसे पहले आप यूज करो वही वाला फॉर्मूला फॉर बामर सीरीज. तो ये हो जाएगा लैम्डा, यहाँ पे बी लिख देते हैं फॉर बामर, एंड आर आप ऐसे रहने दो क्योंकि हम रेशियो की बात करेंगे तो आर हट जाएगा. अब हाइड्रोजन जैसे एक ही जो भी है एक ही है तो जी भी हटा सकते हो, तो इसको ऐसे ही रखे रहने दो, कोई इश्यू नहीं है इसमें. बाकी वैल्यूज पुट कर दो. बामर सीरीज है तो एन वन टू का स्क्वायर हो जाएगा और लास्ट आपका इन्फिनिटी चला जाएगा. इसका स्क्वायर कर लो, कुछ भी कर लो, बात तो एक ही रहती है ना. तो ये आपके पास आ जाएगा 1/4, यानी कि आर जी स्क्वायर बाय 4. ठीक है, अब अगर मैं बात करूं किसकी, लाइमन की, तो उसके लिए आ जाएगा आर जी स्क्वायर 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर, यानी कि आर जी स्क्वायर. ठीक है, ये हमसे क्या कह रहे हैं, रेशियो मांग रहे हैं. और आपको रेशियो में सबसे पहले देखना था कि क्वेश्चन ने सबसे पहले किसका जिक्र किया है. तो आई गेस क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट
बामर सीरीज फर्स्ट ना, तो हम लोग इसको लेके चलेंगे इस तरीके से, ठीक है? अब ध्यान रखना ये रेसिप्रोकल वाला सिचुएशन है, तो लैम्डा बामर का जो आएगा वो 4/RZ² आ जाएगा, और जो लाइमन के लिए आएगा वो आपका RZ² by 1/RZ² इस तरीके से आ जाएगा, यानी कि आपका 4/1 यानी कि 4 का रेशियो आ रहा है, विच इज योर ऑप्शन बी. इज दैट ओके? कितने बच्चों ने मार्क किया हुआ है फिफ्थ का बी? यस मैम. गुड गुड. आ जाइए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे. वेरी गुड अनु. डी था मैम. क्या बेटा समझे? बी 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 ऑप्शन बी 4. बी फॉर भालू, ठीक है वो था, मतलब मैं बी फॉर बहुत सारी चीजें बता सकती हूँ, पर मेरा मुंह से भालू निकला है. चलिए. Given the value of Rydberg constant is 10^7 meter inverse, the wave number of the last line of the Balmer series in hydrogen spectrum will be. Solve कीजिए. और इसको करने के लिए सिर्फ आपको एक मिनट मिलेगा. अभी टाइम हो रहा है 21:07. अरे अरे अरे. अभी समय हो रहा है 21:07. आप लोग 21:08 तक कर लीजिए, मैं आपको कॉल दे रही हूं. यस अनीशा. वेव नंबर इनवर्स ऑफ वेवलेंथ को बोलते हैं ना? क्या बेटा? वेव नंबर जो है वो वेवलेंथ इनवर्स को बोलते हैं ना? यप. देखो मीटर इनवर्स भी मिल रहा है. हो गया मैम, कर दिया. हो गया. Done, ma'am. Good. तो कितने बच्चों ने किया, एक बार हैंड रेज करना. ठीक है, I got only 4 votes and 4 hands. That is not cool. अब देखो टाइम हमको एक मिनट करना पड़ेगा. मैं अपने हैंड करता हूँ. है ना? हाँ, क्योंकि बेटा एक मिनट का टाइम था. अच्छा चलो कोई नहीं, अभी धीरे धीरे अपन पेस बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, अभी रोक देंगे अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा. चलो 1.5 मिनट दूंगी मैं हर क्वेश्चन के लिए, ठीक है? जो क्वेश्चन बिल्कुल ही छोटा है उसको हटा देंगे ऐसे. तो द क्वेश्चन इज हियर कि गिवन द वैल्यू ऑफ रिडबर्ग कॉन्स्टेंट. अब देखो जब इन्होंने खुद ही रिडबर्ग कॉन्स्टेंट का आपको एक वैल्यू दिया हुआ है, तो फिर आप मत करना वो वाली चीज यूज, मैंने आपको बताया है ना. The wave number of the last line of the Balmer series. Balmer series लिखते ही सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई इसका तो N12 होता है. अभी फिर से last line की बात कर रहा है, तो बेटा किसी के लिए भी last line हमेशा infinity ही होता है, ठीक है? जब आपके पास ये दो information आ गई तो concept बड़ा simple है कि आप यहाँ पे यूज कर लोगे 1/λ = RZ² जितना हो सके इस फॉर्मूले को बार बार लिखो ताकि आपको याद हो जाए. N1 हमेशा वो जिसमें आ रहा है, तो ये हो जाएगा 1/λ, आर की वैल्यू 10^7, जी आपको 1 ही दे रखा होगा, हाइड्रोजन बोल रखा है, और 1/N1 यानी कि 1/4. तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो लैम्डा आ जाएगा 1. जो भी आपको जैसे दे रखा है वैसे लिख देना. इसमें दे रखा है, गेस मैम दे रखा है, ये ऑप्शन है. क्या बेटा? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4th की. दिस इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 2013. यहाँ बोला है रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्डिंग टू लाइमन एंड बामर सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज. अब यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है लॉन्गेस्ट, ठीक है? सॉल्व करिएगा. अभी टाइम हो रहा है बेटा 21:11, 21:12, 13, 13 तक कर लीजिए, 2 मिनट दे दिए. पोल मैं लॉन्च कर रही हूँ, वहीं पे आंसर कीजिएगा.
हो गया। दैट्स कूल, अभी एक मिनट और है। निगम आपने आंसर कर दिया? पोल एंड कर दूं? नहीं करा, चलो ठीक है, मैं अभी बता देती हूँ वाला क्वेश्चन। देखो इसमें ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, मैं आपको आंसर शो कर रही हूँ। कॉन्सेप्ट ये था कि ये बोल रहे हैं लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अब एक बात बताओ, हमने एक रिलेशन पढ़ा था E इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा। अगर मैं आपको कह रही हूं कि ये लॉन्गेस्ट है तो इसका मतलब ये मिनिमम होना चाहिए ना, और ये मिनिमम कब होगा? जब नियरेस्ट एनर्जी लेवल से आप आओगे, है ना। तो इसीलिए जब यहाँ पे बामर सीरीज की, लाइमन सीरीज के लिए और बामर सीरीज दोनों के लिए बात हो रही है, लाइमन की स्पेलिंग, जब आप लाइमन सीरीज देखो तो हम बोलते हैं कि जो एन वन है वो वन है, राइट। अब अगर मुझे इसमें लॉन्गेस्ट चाहिए तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का सिंपल सा मतलब है कि एनर्जी जो है वो मिनिमम होनी चाहिए। तो एनर्जी मिनिमम के लिए अगला ही लेवल मान लो कि अगले ही लेवल से आ रहा है। अगर वो आपको ऐसा ही बामर सीरीज के लिए पूछे तो बामर सीरीज में आपको इवेंचुअली बाय डिफॉल्ट पता है कि एन वन आपका टू होना है। अब इसके लिए आप एन टू अगला ही मान लो थ्री, कि थ्री से आ रहा है, ठीक है। अब इन डेटा पर आप वैल्यूज निकाल दो। फॉर्मूला हमारे पास एक ही है, 1 बाय लैम्डा आर जी स्क्वायर 1 बाय एन वन स्क्वायर माइनस 1 बाय एन टू स्क्वायर। जी हटा देते हैं पिक्चर में से, आप सिंपल यहाँ पे लैम्डा लाइमन और बामर वाला यूज कर लो, तो ये हो जाएगा 1 बाय लैम्डा, पहले रेशियो किसका आना था, कॉरेस्पॉन्डिंग टू लाइमन एंड बामर, तो लाइमन के लिए निकाल लेते हैं, आर 1 बाय 1 माइनस 1 बाय 2 का स्क्वायर। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3R by 4, और यहां से आपको लैम्डा एल, सिर्फ लैम्डा एल छोड़ा ऐसे यूज कर लेंगे इसको, ये निकाल दें, लैम्डा एल मिल जाएगा 4 by 3R, ठीक है। अब ऐसे ही आप निकाल लीजिए बामर वाला, ये हो जाएगा R 1 by 2 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 1 by 3 का स्क्वायर यानी कि 9, सॉल्व करेंगे 36 यहाँ पे R, और ये हो जाएगा 9 माइनस 4, यानी कि आपके पास बामर सीरीज के लिए वेवलेंथ आ रहा है 36 टाइम्स ऑफ 36 बाय 5 आर, ठीक है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि रेशियो ऑफ दीज टू वेवलेंथ्स निकाल दीजिए। अब जो कट रहा है उसे काट दीजिए, आई गेस आर से आर गया, 4 से 9 आया, और ये 5 बाय 15 हो गया, 27, 27, 27, 27. तो बस यहीं पर आपका रेशियो आ गया, आंसर देख लेते हैं, 5 by 27 है, ऑप्शन सी, बढ़िया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ 2011 में आया हुआ है, आंसर आया था इसका ऑप्शन सी बेटा, 5 बाय 27। इस क्वेश्चन में आपको बोला है द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू दैट ऑफ द सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज फॉर अ हाइड्रोजन लाइक आयन, द एटॉमिक नंबर जी ऑफ हाइड्रोजन लाइक, यहाँ पे आपको जी निकालना है। अच्छा क्वेश्चन है, कुछ कंडीशन दी हुई है, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अभी समय हो रहा है 21:17, आपको मैंने 2 मिनट दिए हैं, 2 मिनट में फटाफट से सॉल्व करो, एंड आई विल लॉन्च द पोल। पोल इज लाइव नाउ, काइंडली आंसर ओवर देयर।
मैम हो गए डन मैम। ओके आई गॉट ओनली 4 वोट्स। अभी भी आपके पास 1 मिनट है, ट्राई कर सकते हो। 19 पे आई विल एंड द पोल। कर दिया। टाइम ओवर हो गया है, पोल एंड कर दिया गया है। गुंजन सुनाएगा अब, आइए ऑप्शन क्वेश्चन सॉल्व करता है। तो बोला गया है द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ क्लाइमेन सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम। जरा निकालते हैं इसको, ये हो जाएगा फॉर्मूला। आपसे बोला जा रहा है लाइमन सीरीज के लिए। अरे 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 बेटा आर आ जाएगा यहाँ पर, और फर्स्ट लाइन बोल रहा है। अभी जब फर्स्ट लाइन बोल रहा है मतलब ये कहां से आ रहा होगा, टू से आ रहा होगा। तो अभी ध्यान दिया, लास्ट yes, लाइन बोला तो इंफिनिटी पे पहुंच गया है ना। अब एक चीज देखो, मैं यहीं पे इससे अलग क्वेश्चन से अलग बता रही हूं। लास्ट लाइन यानी कि जब आप इंफिनिटी पे पहुंच जाओ, इंफिनिटी पे पहुंच जाओगे तो एनर्जी मैक्सिमम होगी, मतलब आपको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मिलेगी। ठीक है, आपको बोले फर्स्ट लाइन, तो फर्स्ट लाइन का मतलब है कि बिल्कुल पहली ली लाइन यानी कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज अब थोड़ी सी ध्यान रखना, वर्ड्स का हेर फेर हो जाएगा तो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 3R/4। बढ़िया। अब हमें बोला कि इसमें से आप वेवलेंथ निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 4/3R। एक इक्वेशन ये बनती है। फिर हमें बोला कि आपके पास जो दूसरी कहानी है वो है इसकी सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज। बेटा सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज भी आप इसी फॉर्मूले से निकालोगे, कोई और तो हमारे पास है नहीं। अब हमें पता है कि इसके लिए बाय डिफॉल्ट N1 2 है, और अभी सेकेंड लाइन बोल रहे हैं तो फर्स्ट लाइन 3 से आती, सेकेंड लाइन 4 से आएगी। 4 सॉल्व करो फिर। 1/4 माइनस 1/16, LCM लोगे 16, 4 - 1 यानी कि 3/16। तो यहां से आपको बामर सीरीज की वेवलेंथ मिल जाएगी 16 टाइम्स ऑफ 3R। अब क्वेश्चन अच्छा, यहाँ पे एक काम और हम नहीं हटा सकते, जी नहीं हटा सकते, क्योंकि क्वेश्चन हमें कह रहा है कि हमें जी फाइंड आउट करना है। जी मैम होगा। हाँ मैम वॉइस ब्रेक हो गई। अच्छा काफी दिक्कत आ रही है क्या अभी? ठीक ठीक है, तो हम इन इक्वेशंस को सेम रख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड के हिसाब से आपको मिल जाएगा बेटा 4/3R इज इक्वल्स टू 16/3R z का स्क्वायर। जो जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको आप कैंसिल आउट कर दीजिए, जैसे कि 3R से 3R जा रहा है और 4 से यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ से z का वैल्यू आपके पास 2 आ रहा है। कौन सा ऑप्शन ले रहा है? डी। ऑप्शन डी इज योर आंसर। समझ में आया? इसी बात पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 पे, 2022 का क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसको मैं 1 मिनट से कम ही, मतलब 1 मिनट ही दूंगी। ठीक है, तो पढ़ लो और आंसर कर दो, बस। डिपेंडेंसी के क्वेश्चन है, इनमें कोई गड़बड़ होनी ही नहीं चाहिए, रटे हुए होने चाहिए ये क्वेश्चन। पोल लॉन्च हो चुका है, आंसर करो। बोल रहा है लेट T1 एंड T2 बी द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम रिस्पेक्टिवली अकॉर्डिंग टू द बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। द रेशियो
ऑफ टी वन रेशियो टी टू? यस, बढ़िया क्वेश्चन, बताओ। हो गया मैम। गुड गुड, वेरी गुड। एक ही बच्चे का वोट आया है मेरे पास, बाकी बच्चे वोट नहीं करे, फ्री हो गए। बिल्कुल बढ़िया। देखो टाइम तो हो रहा है, अभी 24 पे मैं बंद कर दूंगी, क्योंकि 23 पूरा ले लो। ये क्वेश्चन देखते ही करने वाला है। मैम 2020 में तो कहते हैं कि ज्यादा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए थे, तो न्यूमेरिकल भी हाँ बिल्कुल, ऐसा 100% तो नहीं हो सकता ना, टाइम ओवर होने वाला है। हो गया, सो आई एम एंडिंग द पोल एंड आई विल शो यू द आंसर। भाई ऐसे क्वेश्चन पे भी आपने स्पेक्ट्रम खिला रखा है। एक बात बताओ, मैंने आपको अभी तो बताया था कि टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब बाई जी स्क्वायर। मैम। टी तो एनर्जी है, पर सॉरी 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 सॉरी, या टी वन टी टू तो एनर्जी का बता रखा था, क्या बता रखा था? जी स्क्वायर जी बाय एन स्क्वायर स्क्वायर। बाय न्यूटन। अब हमें यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है हाइड्रोजन एटम, यानी कि जी हटा दो, कहानी सिर्फ और सिर्फ एन स्क्वायर में रह गई है। अब इन्होंने ई वन बाय ई टू बोला है, तो यानी कि ये हो जाएगा एन वन का स्क्वायर अपॉन एन टू का स्क्वायर। ओके, फर्स्ट एंड सेकंड बोला है, तो फर्स्ट एंड सेकंड का मतलब ये ध्यान रखना, थोड़ा सा बस इस बात पे ध्यान रखना है कि फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोला है। यू कैन नॉट गो विद वन एंड टू, यू हैव टू गो विद टू एंड थ्री, राइट? यस मैम, यस यस, तो आ जाएगा आपके पास नाइन यस बाय मैम, फोर यस मैम, विच इज योर ऑप्शन बी। ऑप्शन डी। टू क्वेश्चन सेवन, पोल लॉन्च कर देते हैं, समय क्या ही रहे इसके लिए। एक मिनट पोल स्टार्ट लॉन्च करते हैं। है, मैम कुछ ओके चलो अभी दे देते हैं आंसर। दिखा दो। अभी टाइम दे रखा है, मैंने हटा दे, हो गया ये जिसने भी देखना था। गुड, सो फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बोहर मॉडल इज नॉट वैलिड? हो गया। सबका हो गया। ठीक है, बिल्कुल। इसका आंसर मैं एक बार देख लूं आप लोगों को क्या आ रहा है। क्वेश्चन सेवेंथ, आई एम एंडिंग द पोल, आई एम शोइंग यू द आंसर्स, जस्ट लुक एट दैट। ऑप्शन डी इसका आंसर है, क्योंकि भाई हम जो हाइड्रोजन एटम पढ़ते हैं वो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए पढ़ते हैं। अब या तो वो हाइड्रोजन एटम होता है, या हम बोलते हैं कि हाइड्रोजन लाइक एटम है, ठीक है? तो न्यून उस कंडीशन में कहीं नहीं आता, एनी प्लस। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइए। थोड़ा सा गंदा है ये, गंदा इन द सेंस दिखने में, वैसे तो इजी है। मैम इसका जो सी ऑप्शन था वो क्या लिखा था? मतलब ये समझ नहीं आया। फोन ड्यूट्रॉन, क्या होता है? हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है ना। आइसोटोप। हाँ, टू एच वन, तो जो एग्जैक्टली न्यूट्रॉन है वो हाइड्रोजन लाइक एटम ही हो गया, इसलिए वो नहीं होगा ठीक है बेटा, ठीक मैम। बोहर है। मॉडल अब आ जाइए, के हाँ अब क्वेश्चन एट पे आ जाइए, एक बार मैं पढ़ देती हूँ। तो टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इन एन ऑर्बिट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट्स काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज आर, ठीक है? काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी आपसे निकालने बोला है, टोटल एनर्जी आपको दी हुई है। इसका फॉर्मूला कल ही अपन डिस्कस कर रहे थे। फोन दे दीजिए मैम। हाँ बस एक मिनट टाइम भी दे दूं। एट का पोल लाइव हो गया है, दोबारा चेक कर लीजिए। डन।
मैम इमोजी टेस्ट करते हैं खाली बैठ के। तो टाइम ओवर, अब करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखो टोटल एनर्जी हम लोगों को पता है क्या होती है बेटा, नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर। हाँ एक तो ये होता है और ऊपर से बिल्कुल आपने सही बोला, टोटल एनर्जी को आप बोल दोगे नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी is equals to negative of sorry positive of twice of potential energy, right? Yes ma'am. यही बोलते हैं? ठीक है। हमें इस क्वेश्चन में बोल रखा था कि टोटल एनर्जी माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी कि उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, इसका ट्वाइस कर दो तो 6.8 yes ma'am पॉजिटिव का, राइट मैम? ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। ज्यादा क्वेश्चन हो गए हैं मेरे। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर आ जाएगी माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट साइन हटा के, और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी ट्वाइस, राइट? ठीक है, कूल। यस मैम। 3.4 माइनस 6.8 व्हिच इज योर ऑप्शन डी। यस 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 गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 9th करते हैं, 2015 में आते आते रह गया। The question is, consider third orbit of helium plus using non-relativistic approach. The speed of electron in this orbit will be k दे रखा है, z दे रखा है, h दे रखा है। आपसे स्पीड पूछा है इलेक्ट्रॉन का इस ऑर्बिट में। अभी टाइम हो रहा है आपका 21:30। आप लोग 21:33 तक बता दो आराम से, ठीक है? शब्द थोड़े भारी हैं, सुन लो समझ लो, क्योंकि मुझे लगता है उस पेपर में जब आप फाइनल पेपर दे रहे हो कोई टफ क्वेश्चन करो तो आप इतना मार्जिन निकाल कर चलोगे कि उसे एक एवरेज टाइम से ज्यादा टाइम दे पाओ, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो आपने देखते ही निकाल दिए होंगे, राइट? तो ट्राई टू डू दिस। मैम स्पीड बोला है तो वेलोसिटी निकालेंगे ना। मैम इसमें एन का वैल्यू क्या होगा वैसे? क्या बेटा क्या कह रहे हो? मैम एन का वैल्यू समझ नहीं आ रहा इसमें क्या होगा। एन का वैल्यू बोला तो है थर्ड ऑर्बिट, मैम मुझे अपना आंसर चेंज करना है, गलत। यहाँ आंसर्स नहीं बदले जाएंगे। एक गाना गा दो साक्षी, आप बेटा दो गाने सुनाओ ऐसे कैसे। आई एम एंडिंग द पोल, आई एम शोइंग यू द रिजल्ट, अभी लास्ट में सुनाऊंगी बेटा फोन ऑन करके, ना रिकॉर्ड कर रखा है मैंने अपनी आवाज सुन।
कितने बोले हो, यूट्यूब की वीडियो सुनाऊंगी मैं तुम्हें। चलिए सो इस क्वेश्चन में हमको बोल रखा था कंसीडर थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लेस यूजिंग नॉन रिलेटिविस्टिक अप्रोच, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट विल बी 10 10 10। ओके, ये हमसे स्पीड की बात कर रहा है, एनर्जी की बात कर रहा है। बताना जरा एनर्जी का फॉर्मूला, अभी मैंने बताया था वो सिंपल है, माइनस करनी स्पीड निकालेंगे ना, नहीं तो इसको ही कैलकुलेट कर देंगे ना, लाइक एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी तक पहुंचा जा सकता है ना। अब जी क्या दे रखा है आपको, भाई 2 दे रखा है यानी 4 आ जाएगा, और आपको थर्ड दे रखा है यानी कि 9 आ जाएगा, राइट। ये तो आपके पास टोटल एनर्जी आ गई, क्या यही एनर्जी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी इलेक्ट्रॉन की? यस, यही टोटल एनर्जी है, बस माइनस हो जाएगा। हाँ, इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी आपके पास आ गई 13.6 × 4/9। अब आपके पास जब काइनेटिक एनर्जी आ गई, आपके पास हाफ एम होता है, तो वी का वैल्यू आप निकाल सकते हो, राइट। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हटा के नॉर्मल और ले आओ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था ना, उसको मैंने वोल्ट में कर दिया, मतलब एनर्जी निकाल दी। इसको आप हाफ इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी स्टेप से करके निकाल दो। बोलो, थोड़ा सा पेपर ये ज्यादा लंबा पड़ जाएगा क्या बेटा? सीधा वेलोसिटी का लंबा पड़ जाएगा, सीधा वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा के बहुत। अरे पर जैसे अगर आपको फॉर्मूला याद है, यस, मैं वहां पे सिर्फ हमने डिपेंडेंसी पे ही ज्यादा फोकस किया था ना, ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं रखते। ये इतने बड़े बड़े फॉर्मूले हो सकता है, ध्यान भी ना रहे उस टाइम पे, तो इनका इसके अकॉर्डिंग जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, आपको जैसे करना है। आपको फॉर्मूलाज याद है, इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। नहीं याद है तो उस समय की हम बात कर रहे हैं, आप यहाँ से जाके बी का वैल्यू निकाल सकते हो। मैं इसको अब सॉल्व नहीं करी, आगे सिर्फ गुणा भाग कर रही हूँ, वो कर लो, ठीक है। सॉल्व लगा दीजिए मैम, डी डी आएगा, ठीक है, मैंने करा नहीं है, ऐसे कह रही हूँ, बच्चे कह रहे हैं। मैम बिल्कुल प्रूफ के साथ चल रहे हो, कि अगर गलत हुआ तो मैंने नहीं करा। क्वेश्चन नंबर 23 पर, सॉरी, ओके, इट्स क्वेश्चन नंबर 11, ये मैं क्रॉप करना भूल गई मैम, ये तो होमवर्क वाला क्वेश्चन है। अच्छा, करा रखा था ये मैम? हो गया, मिल जाता कल, हो गया। हाँ मैम, ऑप्शन तो लगा दीजिए, डी वाला मैम, डी होगा, लिख दो, सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ फिर मैम। 11 क्वेश्चन क्यों हटा दिया आपने? वो मैंने कल दिया था आपको, कल मतलब वो डिस्कस हो चुका है या कल होमवर्क में दिया था, तो अगर होमवर्क में किसी का नहीं हुआ है तो हम उसको दें, अदरवाइज आगे चलते हैं। आपके भी मतलब एग्जाम है, टाइम हमारा हो चुका है, देख लेते हैं। 2004 में आया क्वेश्चन है, बड़ा इजीली बता दो। हाँ? वैसे उसमें सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, उसमें फर्स्ट पूछा है तो टोटल वो वाला क्वेश्चन डिस्कस करना है क्या किसी को? हम क्लास की बात कर रहे हैं, आपकी ना वॉइस ब्रेक कर रही है मैम, वो ये कह रही है सॉल्व नहीं करना पड़ेगा डायरेक्ट। अच्छा ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 का मैंने पोल दे दिया, भाई जल्दी बताओ, तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, थियोरेटिकल है, 2004 में आया हुआ है, बताइए। बोला गया है कि बोहर मॉडल ऑफ एटम जो है इनमें से किस बात पर डिपेंड करता है, तो फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन को यूज नहीं करता, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा नहीं बताता, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा की बात करता है, सेम एमिशन स्पेक्ट्रा नहीं बताता, हर एक एटम का, हर एक न्यूक्लियर का अपना एक स्पेसिफिक स्पेक्ट्रा होता है, इट्स ऑप्शन ए। वो ये जरूर बोलता है कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है। मैम बोहर मॉडल का तो मतलब जो ड्रॉबैक था वो ही एक ये था ना कि उसने स्पेक्ट्रा के बारे में कुछ बताया नहीं था, एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में। उसने स्पेक्ट्रा के बारे में बताया था, बट वो बाकी और स्पेक्ट्रा डिफाइन नहीं कर पाया था ना, लाइक बस हाइड्रोजन की ही बात करके रहे थे, और हाइड्रोजन के वाले स्पेक्ट्रा हैवी न्यूक्लियस में या फिर ज्यादा इलेक्ट्रॉन सिस्टम में नहीं काम करता है। ओके मैम, इन्होंने इसको बोला था L is equals to MVR is equals to NH cut, मतलब ये तो हमें पता ही है, H cut का मतलब H by 2 होता है, ना? H cut बोल देते हैं इसको, H cut मतलब H by 2 pi,
क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ फटाफट से. बोर रेडियस के बारे में बात करना है. आई होप आपको बोर रेडियस का कॉन्सेप्ट याद हो. बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, बहुत ही बहुत पुराना. बताइए. भाई देखो, R होता है n स्क्वायर के बराबर, n स्क्वायर बाय z. सिंस z यहाँ पर है नहीं, मतलब हाइड्रोजन ही हो जाएगा. बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा. सेकंड की बात कर रहा है, सेकंड का स्क्वायर अर्थात 4. अब जो n 1 रखने पर आता है उसे हम a नॉट बोलते हैं. तो जो 4 रखने पर आएगा वो 4 a नॉट हो जाएगा, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ 2, मतलब 4 ही आ गया ना बेसिकली 2 रखने पर. तो दैट इज योर ऑप्शन ए. Let's come to question number 14 and the last question of today's lecture, which is of 1996. Question says ki according to Bohr's principle, the relation. Abhi to bataya tha, bata do bhaiya. Hoga ma'am D. Ma'am D. Nikalo D aur hoga. Thank you. Ab I can close this atom chapter and kal hum nuclei kar lenge. ठीक है. Dual nature आप अपनी side से revise करके रखोगे. मैंने आपको करा दिया है. हम dual nature में इस week बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं, मतलब लाइक ऑलरेडी कर चुके हैं. तो वो चीज मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ ना कि अगर मैंने 15 क्वेश्चन करा दी, 17 क्वेश्चन करा दी, 20 करा दी, तो आप एटलीस्ट आगे के 25 खुद से करो. मतलब 20 में मैं 20 की उम्मीद नहीं रखूंगी तुमसे, 25 की रखूंगी. ठीक है मैम. बच्चे कम आ रहे हैं तो क्लास जल्दी खत्म हो जाती है, मतलब जल्दी हो जाता है. हाँ, क्योंकि अब थोड़ी पढ़ाई पे लाइक मतलब ज्यादा डिस्कशन नहीं होता, तो दैट वुड बी नाइस ना. ड्यूअल नेचर आप लोग करोगे. एटम मैंने अभी करा दिया है. आई विल स्टार्ट विद न्यूक्लियाई. ठीक है. अब जो आपका साथ में जो वो चल रहे थे, आपके आपको टारगेट्स मिले थे ना, वीकली टारगेट्स, काइनेमेट, आपको पता है? हाँ, मुझे पता चला था बाद में, वो मेरे पीछे हुआ था. रे वेव और काइनेमेटिक्स, राइट, है ना. रे ऑफ वेव भी तो था. हाँ, वेव ऑप्टिक्स तो नहीं था मैम, बट उसके अकॉर्डिंग हो नहीं पा रहा है क्योंकि अभी तो प्री बोर्ड भी चल रहे हैं. और ओके, तो मैंने आपको रे की शॉर्ट नोट्स बनवाए थे, अगर आपको याद हो. किसी को याद नहीं है तो वो मेरी बिटली लिंक पे अपलोडेड है लास्ट लेक्चर्स में. ठीक है, वो शॉर्ट नोट्स आप रिवाइज कर लो. मैं एक दिन सेशन रे ऑप्टिक्स के प्रीवियस ईयर का रखने वाली हूँ, न्यूक्लियाई के बाद. ठीक है, न्यूक्लियाई मैं मोस्ट प्रोबेबली 2 क्लास में कराऊंगी. एक में पीवाई की सेशन प्रॉपर रखेंगे और एक में इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स अपन डिस्कस करेंगे, जैसे हमने एटम का करा. उसके ठीक बाद मैं आपको रे के पीवाई क्यू कराऊंगी, लेकिन पीवाई क्यू के साथ मैं इस बार आपको थ्योरी नहीं कराऊंगी, क्योंकि बेटा थ्योरी मैं 2 बार करा चुकी हूँ शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में, तो फिर टाइम बढ़ती नहीं है ना कि मैं बार बार उसी चीज को रिपीट करूँ. तो ये आप कर आना. रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस में आपको पीवाई क्यूज करा दूंगी, फिर उसके बाद 31 के हिसाब से जो आएगा वो मैं आगे देख लूंगी आपका. ठीक है, डन.